अब जैसे अपने घर में रस पूर्वक आनंद अपने भोजन नाश्ते का लेते हो, बाल भोग का लेते हो, रात में भी अब लोग प्रसाद लेते हो, वो आनंद हमने अपने बचपन में अपनी माँ के हाथ से लिया था। अभी वो तृप्ति वाला भोजन तो हमारी माँ ही कराती थी और अभी भी हमारी जमुना मैया ही कराती है, लेकिन 3-4 महीने से हो गए कि अपने भोजन ही ग्रहण नहीं किया। फिर हम 2 साल तक उस जगह पर ऐसे रहे जो कोई हमारे पास जाता नहीं था, आता नहीं था, ना हमें कोई पहचान पाया कि हम यहीं के लोकल होते हुए भी इन्हीं के साथ में जंगल। 2 साल मतलब आपने तपस्या की है? 2 साल हम एक बिना खाए पिए बिना कुछ किए 2 साल तपस्या। 2 साल जमुना का जल पिया खूब, माँ की गोद में से निकलने के लिए नित्य क्रिया के लिए ही है ना, बाकी टाइम उसी में रहना। ये जैसे चमड़ी है हमारी, ये चमड़ी मेरे खा गए थे कच्छ मच्छ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। आपको बताऊं मैं कि अभी आप जो है तस्वीरों से ही समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहां पर आ गई हूं। मैं वृंदावन में हूं लेकिन यमुना नदी के दूसरे तट पर हूं। आप ये देखिए, एक तरफ तो घाट है और जैसे ही दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ आपको जंगल नजर आएगा और इन्हीं जंगलों के बीच में महाराज रहते हैं, साधु संत रहते हैं, महंत रहते हैं। ऐसे में आप जो जिनको अभी सामने बिल्कुल देख पा रहे हैं वो मेरे कहने से थोड़ी देर रुक गए हैं क्योंकि मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ आप भक्तों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि इनका नाम है दीपक दास नागा, यानी कि वैष्णव संप्रदाय में ही आते हैं। बाबा, आपका जो कुटिया है यहाँ से वो लगभग कितनी दूर है? यहाँ यमुना मैया से लगभग लाली 300-500 मीटर पे दूरी पे है ये, यमुना के दूसरे तट पे है। और ये जो कुटिया है ये यमुना महारानी का गर्भाशय है जहाँ पर सावण भादो में यमुना का अथाह भंडार रहता है, चारों तरफ जल रहता है। लेकिन राम जी की कृपा से, लाला की कृपा से अपनी कुटिया के पास यमुना मैया पैरा देती रहती है लेकिन जल नहीं आता है। अच्छा, मतलब यहाँ तक जहाँ पे भी हम चल रहे हैं यहाँ तक पानी जल आ जाता है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचता है? वहाँ पहुँचेगा, पूरा किनारे तक यहाँ तक लग जाएगा जल। यहाँ पानी इतना रहता है, कम से कम 30-35 फीट 40 फीट पानी रहता है यहाँ पे। बाबा, वो पूरा रिहायशी इलाका है, वो पूरे कान्हा की जो है लीलाओं से बने, वो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात कान्हा बैठे और लीलाओं से बनी वो पूरे घाट है, वो कहानी बयां करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप जो है रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ लाली ठाकुर जी को, क्योंकि महल की बात महल ही नहीं जाने और संत लोग महल में रहते नहीं है, महल में तो राजा लोग, रानी, युवराज ये रहते हैं ना, और हनुमान जी महाराज रहते हैं। तो वहाँ सुबह शाम अपनी हाजिरी देने जाते हैं हनुमान जी को और रात्रि में अपनी जो भी कभी साइड में अपना साधना, अपना भजन करना या अपना पली पार उधर उधर रहते हैं तो पूरी रात अपनी यमुना मैया से बातें करना और संतों के दर्शन करना, उनसे राधे राधे बोलना, भक्तों को भी राधे राधे, बोले आप यमुना क्यों आए हो, किनारे क्यों आए हो, वृंदावन आए किस लिए आए, घूमने, खाना पहनना, होटल ठहरना, ये वृंदावन आने का महत्व नहीं है। वृंदावन आने का असली महत्व है वृंदावन की पुरानी कल्चर चीजों को ढूंढना। वृंदावन में कहां पर, कुंजों में, निकुंजों में, निवृत्त निकुंजों में, तो ये अभी आप देख के आए थे ये महलों के कुंज थे जी, और यहाँ आप आए हो ये निवृत्त निकुंज है। तो ये यमुना महारानी की पुलीन है ना, तो यमुना किनारे रसिक बताते हैं कि भगवान कभी मंदिर में नहीं रहते हैं जी, भगवान हमेशा यमुना किनारे धैनु चराते हुए, बिल्कुल गैया चराते, ग्वाल वालों के संग में। इसलिए तो मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी जो है गैया मैया है हमारी, जो ये आपको नजर आ रही होंगी, ये प्रकृति का नजारा है, आप इसका आनंद लीजिए। कहते हैं जहाँ प्रकृति है वहाँ किशोरी है, और जहाँ किशोरी है वहाँ काना तो खुद ब खुद चले आते हैं। और ये देखिए ब्रिज, ब्रिज की रज, रज देखिए, ये है ब्रिज की रज। कहते हैं ये जिसके माथे पर लग जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो तू भी मुक्त हो जाए। तो अभी आज आपने उस जगह की रज लगाई है जहाँ ग्वालों के साथ में भगवान अपनी गायों को चराई के लेके जाते हैं। गाय माता और ब्रज के रज की हम बात कर रहे थे क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। ये बाबा की कुटिया है जो कि शहर से दूर एकांत में है, यहीं पे बाबा साधना भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। भक्तों को बताइए कि क्या क्या रहता है आपका यहाँ पर, कैसे कैसे भक्ति रहती है? हमारे पास लाली सबसे पहली भक्ति है गौ और गोपाल की,
क्योंकि ये भूमि, ये पूरा ब्रज मंडल छोड़, पूरा ये आकाश मंडल 14 भुवन हमारे गोपाल के हाथ में है। तो गोपाल जिसके पास है उसके पास सर्व धन है। गोपाल धनी तो काय की कमी। रज, इस रज के लिए ही हमने जन्म लिया है। बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, योगी महापुरुष आते हैं, साक्षात भोलेनाथ आए हैं। तो इस ब्रज की रज में तज, क्या तज? अपने तन को तज, या इस ब्रज की रज में अपने तन को रमण कर तो रमण बिहारी मिले। तो यहाँ जो ब्रज का वास, निकुंजों का वास, अपना जो है ये साधु संतों को अब झोपड़ी बनवाने की तैयारी में लगे हुए लाली। अच्छा, क्योंकि यहाँ आगे बरसात आएगी, महात्मा लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्थाएं अभी से करनी पड़ती हैं। यथा योग स्थान देना पड़ता है, जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही उसके लिए उसका आसन। अच्छा बाबा, साधु संतों की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो जिसको मानते हैं उसको मान लेते हैं। हमारे पैरों में तो शायद, क्योंकि हम शहर गांव हर जगह घूमते हैं, हमें कई जगह जाना होता है वीडियो शूट करने के लिए, तो हम एक एक आदि हो चुके हैं पैरों में चप्पल पहनने के। लेकिन आप लोग जो है हमेशा नंगे पैर रहते हैं, जो है बहुत कम बार ऐसा हमने कहीं देखा होगा किसी को कि खड़ाऊ पहने हो। ऐसा है ना लाली कि हमारे कन्हैया ने यहाँ पे गैया भी नंगे पांव चराई और ग्वालाओं के साथ भी नंगे पांव खेला। देख लीजिए बाबा ने जो है अभी भी यहाँ रसकान भी चप्पल नहीं पहनी है और ऐसे ही रहते हैं। रसकान आया यहाँ पे पिछले कितने सालों से जो है, पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आप जो है चप्पल आपने नहीं पहनी है। अभी चप्पल लाली हम छोड़े हैं तकरीबन 10-12 वर्ष के थे। 15 वर्ष जी। हाँ, अब बताइए आप क्या बता रहे थे रसखान जी के बारे में। रसखान जूती लेके आया था ठाकुर जी के लिए। अच्छा, किसी ने बोला था कि एक ग्वाला बड़ा सुंदर रहता है नंद का लाला, वो नंगे पांव रहता है। उसने वो लीला रसखान को ठाकुर जी की ज्ञात हुआ तो बोला मैं रसखान हूँ, पाकिस्तान में इतना पैसा वाला धन वाला हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला, मुस्लिम देश का रहने वाला, और यहाँ पर ठाकुर जी के लिए रत्न जड़ित जूतियां लेके आए। और आज देखो, आज जो राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है वो रसकान जी ने ही बनाया है। और रसकान जी के इतने सुंदर सुंदर पद हैं कि महाप्रभु वल्लभाधीश वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्गी है, उनके रत्न के दरबार में 9 रत्न बने। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें एक रसकान भी थे वल्लभाधीश जी के। तो ये रसकों की भूमि है, रसिक आते हैं। ये आप ही ने जो है गाय जो है माता जो है पाली है यहाँ पर जो आप करते हैं रोज। ये हमारी जो है एक तो जो है जमुना है, एक राधा है और एक हमारा मंगल है। राधा जी से मिलवाइए, आइए। राधा हमारी थोड़ी टेढ़ी है। ऐसा क्यों? ये टेढ़ी है, ये देखो फुकार मार रही है। अच्छा, और वो जमुना मंगल है। मंगल, अच्छा, सबका करे मंगल। और जमुना जी, ये जमुना मैया है। चलो, आपने सारी देवी एक जगह विराजित कर दी। ये आपसे नाराज लग रही हैं आज, आप देर में आए हैं। ये हमसे नाराज नहीं हो लग रही हैं कि बोले जी कौन से जो मैया को पकड़ के लेके आया बाबा जी, है अकेले आता था, आज तो माई को पकड़ ले आया है। ये भी माई की मर्जी है। अच्छा, एक बात है, एक बात मुझसे बताइए कि जैसे खाने पीने की बात होती है, हमने सुना है कि जो महात्मा पूजा पाठ करते हैं या साधना करते हैं, क्योंकि साधना आप भी करते हैं, तो क्या कई महीने तो खाते ही नहीं है? लाली, ऐसा बताया है खाना और पीना, खाना जो है वो शरीर के लिए बताया है, भोजन शरीर की प्रतिक्रिया है, पीना शरीर की प्रतिक्रिया है, वस्त्र से ढकना शरीर की प्रतिक्रिया है, आत्मा की कोई क्रिया नहीं। हम उस आत्मा से परमात्मा के मिलन में मस्त रहते हैं। निवृत्त निकुंज की लीलाओं में तुम्हें ही हम अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं, जब इसे बैठे हैं हम, जब से आप लोग आए हो अपने दिनचर्या को भूल गए, क्योंकि ठाकुर जी की चर्चा आप बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उस लीला में इतना आनंद आ रहा था कि हम शायद उनके साथ में खेल रहे थे। और बार बार आप जो बातें ठाकुर जी की जो लेके आते थे तो हमें हंसी आती थी। देखो, मैं जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो पहचान में भूल कर रही है। क्यों? क्योंकि आप माँ हो, और माँ के पीछे या के पीछे आ लगा हुआ है मैया। तो उसकी बातें जो माँ की समझ ले और माया को माँ मान ले, तो माधव पति की लीलाओं का आप अनलंकन कर सकते हो। बाकी आप अपनी माया के विचार शरीर के पुष्टि मार्ग में चलोगे तो उसकी मायापति की लीलाओं का अलंकन नहीं कर सकते। तो बाबा, ये तो जो है सारी बातें जो आप बता रहे आध्यात्मिक, जो जिसमें इतनी सच्चाई है कि अगर व्यक्ति मान ले तो जीवन उसका जो है तर जाए, लेकिन कितने महीने आपको हो गए कि आपने भोजन नहीं किया, मुझे ये जानना है।
लगभग मेरे को लगभग लाली अभी तो पता नहीं ठाकुर जी कब खवाए कब नहीं खिलाए, लेकिन हाँ जो आप जैसे अपने घर में रस पूर्वक आनंद अपने भोजन नाश्ते का लेते हो, बाल भोग का लेते हो, रात में भी आप लोग प्रसाद लेते हो, वो आनंद हमने अपने बचपन में अपनी माँ के हाथ से लिया था। अभी वो तृप्ति वाला भोजन तो हमारी माँ ही कराती थी और अभी भी हमारी जमुना मैया ही कराती है, लेकिन 3-4 महीने से हो गए कि अपने भोजन ही ग्रहण नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाबा जब मेरे साथ अभी नाव में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो सिर्फ जल लेते हैं, इसीलिए उनके हाथ में जब भी हम आ रहे थे तो सिर्फ जल का लोटा था, जल के अलावा वो कुछ नहीं पीते, यानी कि पिछले 4 महीने में उन्होंने भोजन ही नहीं किया है। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है, ये मान ली जाए ये बात कि वायु पर जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं पर आप लोग निर्भर रहते हैं। आप भी रह सकते हो। माता पार्वती ने उसको करके भी दिखाया था कि बेलपत्र पाकर सप्त ऋषियों को सत्संग में हरा कर और योगी राज बाबा भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। तो इस शरीर की क्रिया है आपको जो चाहिए, और प्रकृति की क्रिया क्या है कि प्रकृति की नियति चाहिए उसको, आपकी नियति कितनी शुद्धता है तो अंदर की शुद्धता रहेगी। रोग जो प्रकट होते हैं, हमें आज में नाना प्रकार के रोग प्रकट हो रहे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रेशर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, वो किसके, आपके अंदर इतना छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है अपनी संतान के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, तो रोग नहीं लगेगा, दोष लगेगा। दोष लगा तो इस शरीर को लगा, रोग लगा तो इस शरीर को लगा, आत्मा को कुछ नहीं लगा। आत्मा तो इस शरीर के लिए कुछ समय के लिए आती है, हमें रोग भी मिटाना है, दोष भी मिटाना है, अपना नहीं आप सबका। हमें ये योगियों का जन्म इसलिए होता है कि उस पथ मार्ग को आपको समझो, प्रकृति से प्रेम करो, वृक्षों को काटने से पहले 10 वृक्ष लगाओ, उन वृक्षों से प्रेम करो, जल से सींचो, तब तो उनमें से कुछ फल प्राप्त कर पाओगे, किसी को फल दे सकते हो। अभी आप वृक्ष बने नहीं, वृक्ष के में बीज लगाया नहीं, उस बीज को ही पहले नष्ट कर दिया। प्रकृति के पहाड़ तोड़ रहे हो आप, पहाड़ को बनाने की कोशिश करो, उनको समेटने की कोशिश करो। ये जीवन एक पहाड़ है, इसको आप जितना समेटे हो कछुओं की भांति, तो आप हमेशा रक्षा कवच ऊपर रहता है, आपके ऊपर नारायण की कृपा है और सदा हर जीव के ऊपर रहती है। जब बाबा तपस्या में बैठते हैं आप जी, तो लगभग जब कहते हैं जो साधु संत तपस्या करते हैं वो अलौकिक होती है, अलग होती है। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे मिट्टी में बैठ के साधु संत तपस्या कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि एकदम एकांत में उस जगह पे जहाँ आदमी इंसान जाने से डरता है, लेकिन वहाँ साधु संत जो है वो पहुंच जाते हैं, वहां पे बैठकर तपस्या करते हैं, ऐसी कई बातें हमने सुनी है। तो आप जब तपस्या करते हैं तो आपका कोई तपस्या का कोई स्थान होता है जहाँ पे एकांत में जाके आप तपस्या करते हैं, और ये जो तपस्या होती है कितनी लंबी तपस्या होती है? ये ललित, तपस्या का स्थान हमेशा वो चुनना चाहिए जहाँ पर जाने से जीव डरता हो। और तपस्या का मतलब ये है तप कर सब की अशियाओं के जो आदम इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं पर वो संत उस भूमि पर रहे ना रहे, लेकिन उसकी तप का बल इतना रहना चाहिए कि उसकी कामनाओं में आने वाले व्यक्ति की कामना पूरी हो, उसके अंदर में इच्छा ना हो, उसकी इच्छाएं आने से पहले ही पूरी हो। तो इस प्रकार से हम भूमि चुनते हैं। तो भूमि, ये जो भूमि पर आप खड़े हो, यहाँ हमको 4 बरस लगभग हो चुके हैं। 4 बरस पहले यहाँ इतने कांटे थे कि आप एक कदम यहाँ चल नहीं सकते थे। मालकाना हक में कोई कहता है कि ये हमारा है, ये हमारी जमीन थी बाबा, ये है। लेकिन क्या कि जमीन सब भगवान की होती है, बाकी इस जमीन पर लोग जो आते हैं, जीव आते हैं सिर्फ भोग और भाग के लिए। संत आते हैं जिस, जो निर्जीवता रहती है जिस जगह पर, उस निर्जीवता को समाप्त कर बगीचा बनाना, उसको वाटिका बनाना। यानी कि अभी मैं एक नजारा दिखा दूं बाबा की बात के साथ साथ, एक बार घुमा के देखिए कैमरा, ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे, यहाँ पे फूल, यहाँ पे बाबा की झोपड़ी, और यहाँ पे गायें, यहाँ पे प्रकृति, एकदम अलग छटा, अलग सुंदरता दिख रही है। नीचे देखिए तो ब्रिज के रज ही रज नजर आएंगी, कांटे अभी यहाँ पे नहीं है। यानी कि 4 साल रह के इस जगह को जो कांटे हटाई, पहले तमाम चीजें जो यहाँ पर थी जिसे ठीक करना बहुत जरूरी था वो भी बाबा ने कर ली। तो यहाँ पर बैठ कर जब तपस्या करते हैं, एक बार जब तपस्या में चले जाते हैं तो कितने कितने दिन तक तपस्या में रहते हैं? फिर गए लाली, फिर नहीं अपना कोई पता, आंख नहीं खुलती, एकदम साधना में मगन हो जाते हैं। फिर आंख जब भी खुलेंगी जो अपनी दिनचर्या ठाकुर जी से। मुझे एक उदाहरण बताइए कि ऐसा कोई किस्सा जिसमें आपको लगता है कि मैं इतने दिन बैठा तपस्या में।
वैसे तो आप हमेशा रोज तपस्या करते हैं, लेकिन एक लंबी तपस्या। हम लाली पहली बार जब जन्म अपने जब गुरु कृपा से हाँ। पहली बार जब हम अपने मार्ग से अपने गुरु का आदेश लेकर निकले थे तो पहले नंबर तो अपनी माँ की सेवा में विदा की है माँ को। माँ के बाद में फिर अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने संसार का सुख के बारे में भी बताया, ये संसार के सुख हैं और ये भगवान के सुख हैं। मैं जिस परिवार से शिक्षित हूँ दीक्षित हूँ और जिस परिवार से मैं नागा निर्माणी अपनी गुरुओं की कृपा से हनुमान जी की सेना में भर्ती हुए हम सत्य सनातन राम विजय के लिए, हर जगह हमारे राम जी का चक्रवर्ती ध्वजा लहरती रहे, हर जगह राम राम होता रहे, कृष्ण कृष्ण होता रहे, राधा राधा होती रहे। तो हमारे गुरुजी ने हमको एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को गोपाल मंत्र को अविश्वास कर हमारे गुरुजी बोले यमुना पे जाना, आपको जो वृक्ष सुंदर लगे उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने गोपाल को पुकारना, गोपाल आपके पास आएगा। तो हमारे पास गोपाल है साक्षात हमारे गुरु की कृपा से। तो पहली बार जब हम गए थे तो वहाँ भी हमको बेरी का पेड़ मिला था, छोटा सा बेरी के पेड़। कहते बेरी का मतलब माता लक्ष्मी। अच्छा? जब उन्होंने आदि बद्री नारायण में, अरे बड़ी होशियार है शांति तो उन्होंने जो है बेरी का रूप धारण किया। ये भी हमारा अन्नकोष भंडार है, इसमें अभी गाय माँ के लिए हम सारा अनाज पानी इकट्ठा करके रखते हैं एक साल के लिए। चलिए बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद तपस्या वो कितनी लंबी चली? लली फिर हम 2 साल तक उस जगह पर ऐसे रहे जो कि कोई हमारे पास जाता नहीं था, आता नहीं था ना, हमें कोई पहचान पाया कि हम यहीं के लोकल होते हुए भी इन्हीं के साथ में जंगल। 2 साल मतलब आपने तपस्या की है? 2 साल हम एक बिना खाए पिए बिना कुछ किए 2 साल तपस्या। 2 साल यमुना का जल पिया खूब। अच्छा, जो लोग इसमें गंदगी बता देना नाले, मैंने इन लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसादी में इसी जल को पिलाकर उनको 56 भोग के स्वाद दिला दिए। पर ये तो आपने बताई कि आपने जो है 2 साल तपस्या की, तो क्या इन 2 सालों में ये तपस्या ऐसी तपस्या थी जो कि एक कठोर तपस्या होती है जिसमें आँख ना खोलना लेकिन एकदम साधना में चले जाना, जल में रहना, माँ की गोद में रहना? हाँ, तो आपने की वो तपस्या? सिर्फ माँ की गोद में से निकलने के लिए नित्य क्रिया के लिए ही आना, बाकी टाइम उसी में रहना। ये खा लें जैसे ये चमड़ी है हमारी, ये चमड़ी मेरी खा गए थे कच्छ मच्छ। कैसे? नीचे से गल जाती पानी में जब आप रहोगे तो। आपने आपने जल की तपस्या की? जल साधना ज्यादा, जल साधना की आपने? जल तो कितने घंटे बैठते थे आप? समय का निर्धारित ये है कि आप अगर आप सुबह में बैठोगे तो पूरे दिन हमें तपना है, जल में रहना है, और शाम को सूर्य ढलने के बाद में निकलते हैं। रात्रि में हम रहते हैं तो रात्रि में सर्दी के टाइम जाया जाता है। और उन तमाम जब ये तपस्या आप कर रहे थे तो कोई खान पीन नहीं कुछ नहीं, सिर्फ प्रकृति पर निर्भर थे, वायु से ही जो है आप अन्न और जल, जल से ही मतलब आप सब जल ही कर रहे जल थे। से ही वायु बनती है, अगर बाष्प नहीं होगी ना तो वायु भी नहीं बनेगी। पंच तत्व का ये शरीर है तो हमें 5 तत्व को कैसे साधना है, जैसे सांस को साधना, आप लोग ओम विलोम वगैरह जो करते हो ये पद्धति अष्टयोग की है। आप जो है अन्न लेना कब शुरू करेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, अन्न भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं है पीते नहीं है, ऐसी कोई झूठ नहीं, क्योंकि ये कली काल है, कली काल में बिना अन्न के प्राण नहीं है। इसमें भगवान का वास बताया है अन्न में, अनाज में पाते हैं, लेकिन पाते जब हैं जब कभी यमुना महारानी कोई, यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 महीने से तो अन्न गया नहीं, सिर्फ जल से ही विचरण चल रहा है, यानी कि ऐसा है कि साल में 2 से 4 या 5 से 6 बार इतना अन्न जो है लिया होगा, कि मतलब पूरी तरीके से परित्याग नहीं है लेकिन पाते हैं वो उतने कभी समय कभी के लिए। कभी कभी लेते हैं क्योंकि शरीर को फिल्टर करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। आइए, ये जो आपकी छोटी सी कुटिया में यहाँ पे देख सकती हूँ, कुटिया में आपके सारे शिष्य रहते होंगे? ये हमारे भगत है, हमारा सेवक है, इनका नाम गोपाल है, गोपाल दास जी यहाँ के सेवक है, बाकी माया आती रहती है जाती रहती है, संत आते हैं जाते हैं। तो ये आपकी कुटिया है? ये हमारी आप... कुटिया है, ये दूल्हा है राम जी का। अच्छा, तो यहीं पे बैठ के ये आपका चिमटा है और ये आपकी वो है, ये यहीं पे बैठ के आपकी साधना चलती रहती है। हाँ लाली, तो देखिए जिस लोटे की बात मैं कर रही थी वो लोटा वो रहा, इतना बड़ा ये लोटा है, सिर्फ जल पीकर ही बाबा पिछले 4 से 5 महीने से जो है बिना अनाज के रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जल की साधना करते हैं। जैसे कि अभी बाबा ने बताया कि जल में मैं सुबह बैठता हूँ तो शाम को उठता हूँ, फिर सुबह बैठता हूँ शाम को उठता हूँ, इस तरीके से जो है वो अपने प्रभु की आस्था में लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं किशोरी जी और गोपाल जी को पाने के लिए। और
जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एकांत जगह इसलिए चुनी क्योंकि एकांत जगह में ही आप साधना में जा सकते हैं। तो फिलहाल धुनी चल रही है और अब बाबा जी अपनी जो है साधना करेंगे। ये उनकी कुटिया एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये इन्होंने कुटिया यहाँ पे है, इसमें इनके शिष्य भी इनके साथ रहते हैं जो कि इनसे दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए जो थोड़े बहुत आपको बर्तन नजर आ रहे हैं ये उनके शिष्यों के लिए है ताकि वो कुछ खा पी सके बना सके। लेकिन जो बाबा का जीवन है वो बहुत सिंपल साधारण है क्योंकि वो अलौकिकता से जो है बिल्कुल करीब है और वहीं रहकर सब कुछ पाना चाहते हैं। और पाना भी किसे, प्रभु को चाहते हैं जिसके लिए ईश्वर कहते हैं कि दुनिया में ही इंसान आया है। खैर उम्मीद करती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है उसे देखकर आपको समझ में आया होगा कि साधु संतों की जिंदगी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भगवान के प्रति उनकी आस्था क्या है और क्यों जो है वो थोड़ा सा शहरीकरण से अलग रहते हैं, एकांत में रहते हैं और कैसे पशुओं के प्रति उनका प्रेम है। अपने अनाज से ज्यादा वो गाय माता के अनाज की चिंता करते हैं, इसीलिए एक साल का जो है उन्होंने जो भी दान देकर गया तो वहां पर उनका अनाज रखा हुआ है गायों का। फिर आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ।